नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी परीक्षाएं अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और इन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं पेंडिंग हैं उनमें देखिए, RO की परीक्षा है, PCS 2017 के मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है और PCS 2018, इन परीक्षाओं का भी परिणाम जारी होना है। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में अपडेट है और आयोग के सचिव से बयान लेने की कोशिश की गई है। तो आयोग के सचिव ने क्या बोला है इन परीक्षाओं के बारे में, उसको आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़पेपर की सुर्खियों पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 साल में भी पूरी नहीं हुई चयन प्रक्रिया, इसको हेडलाइन दिया है अमर उजाला ने और आयोग के सचिव से बयान लेने की कोशिश की है। तो इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं आ रही हैं आपकी, RO, PCS मेंस, PCS जे मेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC फिर अपने पुराने परिपाटी पर लौट रहा है। पुराने परिपाटी पर लौट रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग 3-4 साल 5 साल से पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा, जो लोग नए हैं उनको ये नहीं मालूम होगा। पहले आयोग के रिजल्ट काफ़ी लेट निकला करते थे, जैसे अभी 2016 का PCS का रिजल्ट निकला है, फाइनल रिजल्ट जो निकला 2016 का निकला है, 2016 का निकला है, 17 का अभी भी नहीं निकला है, 18 का अभी प्री हुआ है और इसके बाद 19 आ गया है, ये 19 का प्री होना है, तो यानी कितना लेट हो गया है। तो इसी तरह से पहले काम होता था, लेकिन बीच में सत्र जो है नियमित कर लिया गया था और 1 साल के बाद रिजल्ट निकल जाता था। तो आयोग पुरानी परिपाटी पर फिर से लौट आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आयोग प्रमुख परीक्षाओं के चयन प्रक्रिया 2 साल में पूरी नहीं कर पा रहा है, 2 साल में पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इतना लेट नहीं होना चाहिए। हालात इतने ख़राब है कि जिस परीक्षा के लिए आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहा है उसे भी समय से पूरा कर पाना चुनौती बन गया है। PCS J की परीक्षा के लिए आयोग ने स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मई में PCS J का फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी PCS J परीक्षा का जो है रिजल्ट नहीं निकाला गया है, इसका मेंस का रिजल्ट नहीं निकाला गया है और इंटरव्यू भी होना बाकी है। इसमें अभ्यर्थियों को PCS 2017 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। आवेदन से लेकर मुख्य परीक्षा के आयोजन तक करीबन 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आयोग अब तक मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सका है। वहीं RO के 809 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है। RO में उस प्रक्रिया में भी खाली रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालने के बाद ज्वाइनिंग देनी है, इसमें भी काफ़ी लेट हो रहा है। यह परीक्षा भी 2017 की है, प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल अप्रैल में आयोजित की गई थी, मुख्य परीक्षा फरवरी में हुई। आयोग अब RO मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सका है। इतना ही नहीं, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि PCS J 2018 की चयन प्रक्रिया मई तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब तक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने भी परीक्षा परिणाम के लिए आयोग को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अमला PCS J मुख्य परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि इस समय पूरा ध्यान PCS J मेंस के परिणाम पर है, जल्द ही परिणाम घोषित किया जाएगा, इसके बाद अन्य परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले PCS J परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, इसके बाद अन्य परीक्षाओं के परिणाम आएंगे। अन्य परीक्षाओं के परिणाम आएंगे, आप समझ सकते हैं कि RO का परिणाम पहले आना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं करवाना है। तो एक चीज़ इनकी क्लियर हो जाएगी कि PCS J क्लियर हो गया और RO क्लियर हो गया, उसके बाद UPPCS मीन्स 2017 का परिणाम आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट एक लोक सेवा आयोग से संबंधित। और दोस्तों, इस तरह की अपडेट हमारे चैनल पर अक्सर दी जाती है आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।